ओम अज्ञानिति मिरांधस्य ज्ञानंजन सलाकय चक्षुरुन्मीलिते येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सबसे पहले परम पूजनीय गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैंने हमारे सीनियर भक्तों से गुरु महाराज के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, उनके बारे में कि वे बहुत विनम्र थे, दयालु थे और सभी को अपनी बच्चों की तरह प्रेम करते थे। और मैं जब यहाँ उज्जैन आई और मैं अपने प्रभु जी की वजह से मैं उज्जैन इस्कॉन में आई, तो उसके बाद मैं उनका लेक्चर सुनने लगी थी। तो उनके लेक्चर की मुझे एक बात याद है, उन्होंने कहा कि हमें विनम्र बन के रहना चाहिए, मतलब हमें अपने आप को सबसे छोटा समझना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है और इससे हम भक्ति बहुत आसानी से कर पाते हैं। और ये जो गुरु महाराज की बात है, ये मुझे बहुत प्रभावित किया गया था, मुझे इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुई थी और ये बात मैं अपने जीवन में बहुत हद तक अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और जैसा कि गुरु महाराज ने ये मंदिर बनाया केवल 9 मंथ 20 दिनों में, उनका ये डेडिकेशन भी मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हम ऐसे ही भक्ति कर पाएँ। जैसे कि बंगाली में प्रभुपाद जी के लिए कहा गया है एक लाइन कि यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो ये जीवन वही तो कैसे। तो मैं ये गुरु महाराज के लिए कहना चाहूँगी कि यदि गुरु महाराज जी नहीं होते तो हमारा क्या होता, हमारा ये जीवन कैसे, मतलब किस डायरेक्शन में चलता। हमें तो मैं तो सोच के भी डर लगता है कि अगर गुरु महाराज नहीं होते, ये मंदिर नहीं रहता, तो हम कहाँ होते आज, मतलब क्या कर रहे होते। बस जैसे कि ये जो अभी भौतिक जगत में लोग परेशान हैं किस वजह से, उनको भी नहीं पता है। तो गुरु महाराज की बहुत कृपा है इसमें। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरु महाराज के बनाए गए राधा मदन मोहन मंदिर में आई हूँ और उनके वरिष्ठ शिष्यों का मुझे संग मिल पाया। पर एक तरफ से मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली भी मानती हूँ कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई, मुझे उनकी साक्षात दर्शन नहीं हो पाए। मुझे पता है गुरु महाराज अभी हमें सुन रहे हैं, परंतु वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, परंतु हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, मेरी इंद्रियां, कि मैं नहीं देख पा रही हूँ उनको। मेरी एक प्रार्थना है गुरु महाराज से और उनके जो भी वरिष्ठ शिष्य हैं उनसे कि कृपया आप हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें जिससे हम और अच्छी भक्ति कर पाएं। वंच कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज को मैं फिर से और एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आज जो उन्होंने ये टेम्पल बनाया जिस कारण से हमारी पूरी फैमिली भक्ति कर पा रही है, हम एक सही डायरेक्शन में हैं, हमें पता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। और थैंक यू सो मच
आप सभी का कि गुरु महाराज के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया गया। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, सो मैं आप लोगों को फिर से आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। हरि बोल। मेरे से कोई अगर अपराध हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।